धमाका करने की तैयारी में है सैफ अली खान। 17 साल बाद बड़े डायरेक्टर के साथ मिलाया हाथ। साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के बुरी तरह पिटने के बाद से सैफ अली खान किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं, लेकिन लगता है कि जल्दी ही उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी सामने आ सकती है। दरअसल हाल ही में उन्हें पठान और फाइटर जैसी बड़ी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ देखा गया। दोनों का एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों गले मिलते हुए पेपराजीज के कैमरे में पोज देते हुए नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद से दोनों के किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करने की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल पिछले साल एक रिपोर्ट में बताया गया कि सिद्धार्थ अपने प्रोडक्शन हाउस मार्फ्लिक्स के बैनर तले एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें भरपूर एक्शन और एक शानदार कहानी देखने को मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि उसी प्रोजेक्ट के लिए सैफ और सिद्धार्थ साथ आए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म का नाम ज्वेल थीफ बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सैफ के साथ जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे। हालांकि सैफ और सिद्धार्थ के कोलैबोरेट करने को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि सैफ और सिद्धार्थ की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी। ये भी कहा जा रहा है कि सैफ इसमें एकदम बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगे। अब अगर ये दोनों एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं तो ये ऐसा पहली बार नहीं होने वाला है, बल्कि 17 साल पहले भी दोनों एक फिल्म में काम कर चुके हैं। साल 2007 में तारा रंपम नाम से सैफ अली खान की एक फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म किया था और उस फिल्म को सिद्धार्थ ने ही डायरेक्ट किया था। उससे पहले 2005 में दोनों ने फिल्म सलाम नमस्ते में भी काम किया था।